बिकॉज सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, दिस इज तौसीफ एंड यू वाचिंग ली व्लॉग। सो बेसिकली फूड शेल्टर एंड क्लॉथ, दीज ऑल आर द थिंग्स विच वी नीड इन अवर डे टू डे लाइफ। हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में हमें ज़रूरत होती है। और फूड का भाई साहब ऐसा है कि सिर्फ फूड हमें नहीं चाहिए, हमें फूड के साथ टेस्ट भी चाहिए। और इसी कड़ी में यहाँ पे अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ, जो रज़ा चौक, और आप मेरे पीछे एक मार्केट देख सकते हो जिसका नाम है आकाश मार्केट। और यहाँ रिसेंटली आज ही जो इसके रेस्टोरेंट को ओपनिंग हुआ है जिसका नाम है शाही दरबार। और शाही दरबार खोलने का यहाँ पे इनके जो ओनर का मोटिव है वो ये है कि गांव-गांव तक बेहतर टेस्ट को प्रोवाइड किया जा सके। और इसी कड़ी में इस रेस्टोरेंट को खोला गया है। तो अभी सीधा अंदर चलते हैं और यहाँ के एम्बियंस और इंटीरियर को देखते हैं और साथ ही साथ यहाँ के फूड को एक्सप्लोर करते हैं। तो सीधा चलते हैं अंदर। फ्रेंड्स, अभी इस समय हमारे साथ इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं। तो अभी अंकल से जानते हैं कि इस रेस्टोरेंट को यहाँ पे खोलने का क्या मोटिव था और क्या क्या चीज़ें स्पेशल होने वाली यहाँ इस रेस्टोरेंट में। तो सीधा अंकल से जानते हैं। आज मैंने अपने रेस्टोरेंट का ओपनिंग किया शाही दरबार रजा चौक भरवाड़ा आकाश मार्केट के अंदर, जिसमें मेरी कोशिश है कि अच्छा से अच्छा लोगों को टेस्ट दे सकूँ, जिसमें हर लोग इसमें आ करके कम बजट में कम पैसे में कुछ खा पी सके। मेरे पास जो कुक है सब बाहर बाहर के, दिल्ली के हैं, बॉम्बे के हैं, कलकत्ता के हैं। मैं इन लोगों से और बड़े बड़े रेस्टोरेंट से उन लोगों को चुन करके मैं लेकर के आया हूँ। जो बाहर में बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उन्हीं सब के मेरे पास स्टाफ है। शाही दरबार जो के भरवाड़ा में खुला है, भरवाड़ा वासियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इस एरिया में उस तरह का रेस्टोरेंट फैमिली नहीं था और बहुत ही अच्छे तरह का सामान यहाँ मिलता है। और खाने की जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो टेस्ट है वो खाने की बहुत ही लावा ये है, बेहतरीन है। जो हम लोग कलकत्ता में बिरयानी खाते थे वो आज भरवाड़ा पर मिल रहा है, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो भी एक अच्छे शांत मिजाज के हैं और पे अच्छा यहाँ पर कॉपरेशन रहेगा लोगों का भी। और ये रेस्टोरेंट हमको लगता है कि एक उज्जवल भविष्य है भरवाड़ा के लिए। थैंक यू। यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, जैसे मैंने चिकन चिल्ली और लच्छा पराठा लिया, बहुत अच्छा खाना, खाना का टेस्ट भी बहुत बेहतर है। फ्रेंड्स, हमारा फूड आ चुका है। दिस इज़ चिकन पटियाला और ये है चिकन चिल्ली और ये है चिकन बटर मसाला एंड दिस इज़ बिरयानी ऑब्वियसली। तो अभी हम फूड टेस्ट करेंगे और यहाँ पे आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है यहाँ का, ठीक है। टाइम टू रिव्यू द फूड। एक्चुअली अगर मैं पटियाला चिकन की बात करूँ तो इट वॉज आउटस्टैंडिंग। मतलब मैं अगर 10 में से रेटिंग्स अगर देना चाहूँ तो उसे 10 out of 10 दूंगा, बिकॉज इट वॉज सो गुड, बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे बटर चिकन का, वो भी काफ़ी अच्छा था। बट मेरा फेवरेट जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वो दिल से मैं बता रहा हूँ, वो ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, वो था चिकन पटियाला। बहुत ही अच्छा था, स्टार्टर में आप ले सकते हो। और उसकी प्राइस सुनने के बाद मुझे बिल्कुल ही यकीन नहीं हुआ कि उसकी प्राइस सिर्फ 229 है। तो आप भी अगर अपने फ्रेंड के साथ कभी प्लान कर रहे हैं इधर आने का, या फिर अगर आपका घर जाले बढ़वाना पड़ता है तो अगर आप भी कभी ज्वाइन करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो यहाँ पे ज़रूर आए।